हेलो माय गॉर्जियस लेडीज, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप बहुत अच्छे से होंगे और स्वस्थ भी होंगे। मैं चंचल शर्मा स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर भी कर दीजिएगा। आज का जो मैं होल शेयर करने जा रही हूँ आप लोगों के साथ में, फेस्टिवल से अप्रोप्रिएट है। आप रक्षाबंधन में भी आराम से इनको कैरी कर सकते हैं और अपकमिंग जो फेस्टिवल्स हैं उनमें भी आप आराम से इनको कैरी कर सकते हैं। एंड जो मैंने आज शॉपिंग की है वो अमेजोन से शॉपिंग की है। अमेजोन का मैं हॉल वीडियो आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। एंड इसके साथ साथ में मैं एक और बात बोलना चाहूँगी कि आप ना प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक कर लिया कीजिए, बिकॉज कि उसमें ना सभी प्रोडक्ट्स के लिंक होते हैं। अगर आप इनमें से कुछ भी आपको अच्छा लगता है तो आप उस लिंक पर, एक ही आज मैं एक लिंक आपको दूंगी, आप उस लिंक पर क्लिक कीजिएगा, आपको वहाँ पे एक पेज ओपन हो जाएगा। एंड उस पेज पे जब भी मैं प्रोडक्ट आपको शो कर रही हूँ वही सभी प्रोडक्ट आपको वहाँ पर शो होंगे। एंड इसके साथ साथ में अगर आप जो भी आपको प्रोडक्ट चाहिए आप उसके ऊपर क्लिक कीजिएगा तो आपको डायरेक्ट अमेजोन के पेज पर चला जाएगा जो उसका होम पेज है। एंड वहाँ से आराम से उसको ऐड टू कार्ट करके आप आराम से उसको बाय कर सकते हैं। इसके साथ साथ मैं ये भी बोलना चाहूँगी कि अमेज़ॉन पे अब रिसेंटली फिर से सेल स्टार्ट होने वाली है। अगर आप कुछ भी प्रोडक्ट बाय करना चाहते हैं रीजनेबल प्राइस में तो वहाँ से आप आराम से जा करके बाय कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज का वीडियो। इंट्रो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो गया है, तो गाइस आप लोगों को पता ही है कि आजकल ना नायरा कट और आलिया कट जो है कुर्तीज़ बहुत ज़्यादा इन है। तो मैंने भी एक कुर्ती और अमेज़ॉन से आलिया कट डिज़ाइन में मैंने परचेज की है। एंड आई होप कि ये कुर्ती आपको बहुत अच्छे से अच्छी लगने वाली है, पसंद आने वाली है आपको ना। ये कुछ इस तरह का हमें लुक मिल जाता है इसमें ना, इस कुर्ती में। ये देखिएगा बहुत ही खूबसूरत है पैटर्न। मैं आपको इस तरह से दिखा देती हूँ कि किस तरह की इसका जो लुक है वो आने वाला है। बेस जो है इसका जो रहने वाला है वो है जो ऑफ वाइट होता है ना, तो वो वाला जो है इसका बेस रहने वाला है। बाकी सभी जो है इस फैब्रिक में आपको फ्लावर प्रिंट मिल जाएगा, पिंक से और लीफ मिल जाएंगी, ग्रीन से, ब्लैक से। ये इसका कॉम्बिनेशन है, बहुत ही खूबसूरत है। एंड स्टफ जो है इसमें कॉटन होने वाला है, प्योर कॉटन का स्टफ है इसके अंदर ना। अब बात कर लेते हैं जो हमारी नेक का कुर्ती का लुक आने वाला है। बैक से ये वाला है जो नेक है, एंड फ्रंट से जो आपका पता ही है कि वी नेक में आजकल बहुत ज़्यादा इन है डिज़ाइन, तो ये वी नेक में आपको इस तरह से डिज़ाइन मिल जाता है। एंड यहाँ पर ना आपको लेस की डिटेलिंग मिल जाती है, ये सभी ना आपको लेस की डिटेलिंग मिल जाती है यहाँ पर। और ये जो आपका पार्ट आता है यहाँ पर भी लेस की डिटेलिंग है। एंड जो ये वाला जो कट लगता है ना आपकी ब्रेस्ट के पास से, जो आपका बस्ट साइज होता है, पूरी यहाँ तक आपको ना लेस की डिटेलिंग मिल जाती है, ये पूरा का पूरा यहाँ से पूरा का पूरा। ठीक है, एंड डिज़ाइन देखिए इस कुर्ती का बहुत ही ग्रेसफुल है और ये फ्लोर लेंथ तक मुझे आ रही है। मीडियम साइज है बट ये मुझे काफ़ी लूज है। तो इसके स्लीव्स की बात कर लेते हैं, 3/4 से भी ज़्यादा इसके स्लीव्स हैं। यहाँ पर भी ना आपको लेस की डिटेलिंग मिल जाती है, बहुत ही खूबसूरत है। सिल्वर कलर की लेस लगाई हुई है एंड जो ब्लैक कलर है ना उससे यहाँ पे पाइपिंग लगाया हुआ है। ये देखिए कितना खूबसूरत है, हर स्किन टोन के ऊपर जाने वाली कुर्ती है। एंड सभी के आप किसी भी तरह से ना इस कुर्ती को कैरी कर सकते हैं, स्टाइल कर सकते हैं। और यहाँ पे जो आपका ये ब्रस्ट का जो बेस्ट जो आपका ना ब्रस्ट साइज है, ये यहाँ पे आने के बाद में नीचे आपको ना गैदरिंग मिल जाती है बहुत ज़्यादा। ये देखिए कितनी गैदरिंग आपको यहाँ मिल जाती है। और ये ना इसकी लेंथ बहुत लेंथ है इसकी, एंड फ्लेयर भी इसका बहुत ज़्यादा है। फ्लेयर तो मतलब आप ये मान के चलिए इतना सारा आपको इसके अंदर फ्लेयर मिलता है। प्योर कॉटन की कुर्ती है, लुक जो है बहुत ही खूबसूरत आता है। फ्रंट लुक मैंने आपका कुर्ती का दिखा दिया है, एंड जो इसका बैक लुक होने वाला है वो कुछ इस तरह से आने वाला है। बैक से आपको यहाँ इस पर कोई डिज़ाइन नहीं मिलता है, ये सिर्फ प्रिंट ही है आपका, फैब्रिक है, प्रिंट नहीं है। और ये कुछ इस तरह का हमें हमारी कुर्ती का बैक वाला लुक मिल जाता है। जो पूरा ट्राई ऑन है वो आपको ना मैं यहाँ साइड में लगा दूंगी, तो ट्राई ऑन में इस कुर्ती का लुक आपको समझ आ जाएगा कि कुर्ती किस तरह की लगने वाली है। बहुत ही खूबसूरत है, बहुत प्यारी है, किसी भी फेस्टिवल में आराम से इसको आप कैरी कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो इसके साथ में दुपट्टा भी कैरी कर सकते हैं या फिर आप एज अ ड्रेस भी इसको कैरी कर सकते हैं। बहुत ही प्यारी है, बहुत ग्रेसफुल लगने वाली है। आप लेडी हैं, गर्ल हैं, तो हर किसी के ऊपर बहुत अच्छे से जाने वाली है। ग्रेस लुक अगर आप चाहिए ना, ग्रेस वाला जो एक सिंपल लुक होता है, तो ये आपके ऊपर बहुत अच्छे से जाने वाली है। और यहाँ पर देखिएगा ये यहाँ पे ना फॉल मिरर के काम हो रखा है, यहाँ पे सभी जगह ना फॉल मिरर लगाए हुए हैं। ये देखिएगा यहाँ पर ये पूरी नेक पे ना जो आपका ये पूरा नेक का जो एरिया मिलता है सब पे आपको ना फॉल मिरर मिलेगा। डिज़ाइन कुर्ती का बहुत प्यारा है, कलर बहुत प्यारा है, जो इन्होंने कॉम्बिनेशन लिया है ना कलर्स कॉम्बिनेशन, ये देखिएगा
बहुत ही खूबसूरत है, तो हाईली रिकमेंडेड कुर्ती है मेरी साइज। सभी कुर्तीज़ में मेरा साइज़ जो है मीडियम है, एंड जो भी इनके प्राइजेज़ हैं मैं यहाँ ऊपर आपको शो कर दूँगी, तो आप चेक कर लीजिएगा। सेकंड जो कुर्ती होने वाली है ये एक कुर्ता सेट है, गोशिकी ब्रांड का है। गोशिकी ब्रांड के जो कुर्ता सेट होते हैं आपको पता है कितने अच्छे होते हैं, और मैं काफ़ी सारे जो है गोशिकी ब्रांड के आप लोगों के साथ में शेयर भी कर चुकी हूँ, और अभी अपकमिंग जो वीडियोज़ आने वाले हैं तो गोशिकी ब्रांड के मैं काफ़ी सारे आप लोगों को ना और भी शो करूँगी। तो इसमें हमें ना दुपट्टा नहीं मिलता है, इसमें हमें टू पीस सेट मिलता है, आपको बॉटम वियर मिल जाता है, एंड ये आपको कुर्ती मिल जाती है प्योर कॉटन में। तो प्योर कॉटन का ये हमारा सेट होने वाला है, कलर बहुत ही खूबसूरत है इसका, और साइज़ इसमें भी मेरा मीडियम है, ये देख लीजिएगा ये लिखा हुआ है यहाँ पर, और जो कलर है इसका मैरून होने वाला है, और जो नेक है हमारा बैक का वो इतना मिल जाता है, एंड जो आपका फ्रंट नेक है आपको वी कट में मिल जाता है, ये देखिएगा ये देखिए, एंड जो हमारा बॉटम वियर है ना उसकी यहाँ पे ना नेक पे डिटेलिंग की हुई है, बहुत ही प्यारी लग रही है, और इसमें ना खूब अच्छे अच्छे से ना ये इस तरह की ना डिज़ाइन बनाई हुई है, ये फैब्रिक ही है, ये कोई ऊपर से ना कोई प्रिंट वगैरह नहीं है। जो स्लीव्स मिल जाती हैं 3-4 स्लीव्स मिल जाती हैं, और ये देखिएगा यहाँ पर इस तरह से ना बॉटम वियर का जो हमारा पार्ट है उसकी ये डिटेलिंग की हुई है, सेम इसी तरह की आपको यहाँ पर डिटेलिंग मिल जाती है, एंड जो हमारा स्ट्रेट फिट कुर्ता है ये आपका ना, ये देखिएगा फ्रंट पार्ट जो है हमारे कुर्ते का कुछ इस तरह से होने वाला है, ये देखिए, एंड ये अभी ना थोड़ा टाइट सा लग रहा है, एक दो वॉश के बाद में ना ये थोड़ा सा ना सॉफ्ट हो जाता है, बिकॉज़ कि कॉटन होता है, कॉटन में आपको लोगों को पता ही है कि किस तरह से ना खड़ा खड़ा सा होता है। तो ये कुछ हमारी कुर्ती का बैक लुक हमें मिल जाता है, और जो प्राइस है मैं स्क्रीन पे आपको शेयर कर दूँगी। तो ये कुर्ता सेट भी ना बहुत प्यारा है, बहुत ही खूबसूरत लगने वाला है, अगर आप कॉलेज गोइंग गर्ल हैं या फिर ऑफिस गोइंग गर्ल हैं तो आप आराम से आप इनको ना कैरी कर सकते हैं, बिकॉज कि बहुत ही अच्छा लगने वाला है। तो बॉटम वियर जो है ये हमें कुछ बोथ साइड इलास्टिक मिल जाता है, एंड इसमें आपको ना वन साइड पॉकेट मिल जाती है। बॉटम वियर का जो डिज़ाइन है ना वो भी बहुत ही प्यारा है, ये देखिएगा वन साइड आपको पॉकेट मिल जाती है, और पॉकेट भी ना हमें आपको पता ही है काफ़ी यूज़ हो जाता है हमारी पॉकेट अगर हमें मिल जाती है, तो पैंट कट स्टाइल में हमें हमारा बॉटम वियर मिल जाता है, एंड इन्होंने कोई कट वट नहीं है इसमें, ये जो इसकी ब्रीथ है हमें इतनी मिलने वाली है, इसकी भी ना डिज़ाइन बहुत प्यारी है, बहुत ही खूबसूरत है ये वाला सेट भी। तो अगर आप टीचर भी हैं और आपको कोई सिंपल सी डेली वियर के लिए कॉटन के कुर्ता सेट्स चाहिए हैं तो आप गोशिकी ब्रांड में आराम से जा सकते हैं, बहुत अच्छे कुर्ता सेट्स होते हैं, और नॉर्मल और मिनिमम प्राइस में आपको अवेलेबल हैं, बहुत प्यारे होते हैं, और कलर्स भी बहुत अच्छे अच्छे हैं इन कुर्ता सेट में। तो ये वाला कुर्ता सेट भी ना हाईली रिकमेंडेड है मेरी साइड से, ट्राई ऑन में आपको साइड में लगा दूँगी, तो ट्राई ऑन आप चेक कर लीजिएगा। तो ये थर्ड वाला जो सेट होने वाला है ये थोड़ा कॉस्टली है, इशीन ब्रांड का है ये, और एक काफ्तान सेट है, एक काफ्तान सेट हमें मिल जाता है, ब्लैक कलर में है, आपको पता है कि ब्लैक कलर मुझे बहुत अच्छा लगता है, और मेरी होल वीडियोज़ में ब्लैक कलर होता ही होता है। तो ये इसमें जो स्टफ हमें मिलने वाला है, रियॉन मिलने वाला है, इसमें हमें बॉटम वियर मिल जाता है और हमारा काफ्तान मिल जाता है। तो चलिए देख लेते हैं कि हमारा जो काफ्तान है इसका लुक किस तरह का आने वाला है, किस तरह का इसका लुक है, चलिए ठीक है। ये कुछ इस तरह का है, ब्लैक कलर का है हमारा काफ्तान, और इसका जो नेक का पार्ट आने वाला है, बैक का जो नेक है हमें इस तरह का ज़्यादा डीप नहीं मिल जाता है, फ्रंट का जो नेक है ये देखिए कितना खूबसूरत है आपकी ना, इस पर ये मैरून कलर से लेस लगाई हुई है जरी का, और बहुत ही प्यारी एम्बेलिशमेंट्स का इस पर वर्क हो रखा है, ये देखिए मैं और पास से आपको दिखा देती हूँ, कितना खूबसूरत कॉम्बिनेशन है ये देखिएगा, कितनी फाइन और नीट एंड क्लीन एम्ब्रॉयडरी की हुई है इसके ऊपर, ये देखिए बहुत ही खूबसूरत है, और इस पर आपको पूरा का पूरा आपको ना पूरा आपको जरी का वर्क है, सीक्विन का वर्क है, और गोल्डन जो दबका वर्क होता है ना उसको कहते हैं, और इसमें ना आपको फॉइल मिरर का काम भी मिल जाता है। एक बार और दिखा देती हूँ, ये देखिएगा ये नेक का जो डिज़ाइन है कितना खूबसूरत है, मैं और पास से आपको ना क्लियर कर रही हूँ, बहुत ही प्यारा कुर्ता सेट है, और काफ्तान स्टाइल में है, तो यहाँ पर आपको ना इस तरह की लेस की डिटेलिंग मिल जाती है, पूरी की पूरी साइड पर आपको लेस की डिटेलिंग मिल जाती है, इसी तरह से इस साइड में भी आपको ना लेस की डिटेलिंग मिल जाती है, पूरा आपका भरा हुआ है ये लेस के साथ में, और छोटी छोटी सी ना इस पर बूटियाँ बनी हुई हैं, प्रिंट है बूटियाँ नहीं है, ये देखिएगा पूरे के पूरे फैब्रिक पे पूरा काफ्तान पे आपको इसी तरह की बूटियाँ मिलेंगी, एंड हेम लाइन पे जो फ्रंट का हमारा पोर्शन है कुछ इस तरह से हमें मिलेगा, देखिएगा कितना भरा हुआ है ये, पूरा लेस से काम हो रखा है इसके ऊपर, और बहुत ही खूबसूरत लगने वाला है, ट्राई ऑन मैं आपको दिखा दूंगी, आप साइड में ट्राई ऑन चेक कर लीजिएगा, एंड जो हमारे इस काफ्तान का बैक लुक होने वाला है वो कुछ इस तरह का हमें मिल जाता है, एंड यहाँ पे ना आपको डोरी मिल जाती है, आप इसे ना इसको टाइट कर सकते हैं एंड लूज़ कर सकते हैं, ये बड़ा अच्छा है इसके अंदर। जो बैक का हमारा लुक होने वाला है काफ्तान का कुछ इस तरह से है, पूरा का पूरा बहुत अच्छा इसमें मतलब घेर दिया हुआ है, काफ़ी घेर है ना, और पीछे भी ना इस पर इस तरह की लेस की डिटेलिंग मिल जाती है, बैक में भी
ओवरऑल आपको लेस की डिटेलिंग मिल जाती है बोथ साइड में, अपर से लेकर नीचे तक भी, एंड फ्रंट में भी एंड बैक में भी, हर जगह आपको लेस की डिटेलिंग मिलेगी। एंड मैं यहाँ से भी आपको ना ओपन करके दिखाऊंगी, यहाँ पर ना इन्होंने स्टिचिंग लगाई हुई है अंदर की तरफ, ये देखिएगा, और तभी इसका लुक आएगा ना काफ्तान वाला। इन्होंने यहाँ तक स्टिचिंग किया हुआ है, बाकी नीचे से जो है खुला हुआ है, बिकॉज कि इसके साथ में इन्होंने बॉटम वियर दिया हुआ है। ये नहीं है कि आपका कोई पार्ट इसमें शो होगा या किसी तरह का आपको ना एम्बेरस फील होगा कि आप आराम से इसको कैरी कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, तो आप आराम से इसको कैरी कर सकते हैं। तो हम इसका अब अपना इसका बॉटम वियर चेक कर लेते हैं कि किस तरह का होने वाला है। तो बॉटम वियर भी सेम रियॉन फैब्रिक में है, एंड ये आपको ना सेमी इलास्टिक में मिल जाता है। फ्रंट में आपको इलास्टिक नहीं मिलता है, डोरी मिल जाती है, आप यहाँ से इसको टाइट और लूज कर सकते हैं। बैक में आपको ना इलास्टिक मिल जाती है, इसी तरह से छोटी छोटी सी बूटियाँ हैं फैब्रिक के ऊपर, और जो लोअर पार्ट पे आते आते हमें ना यहाँ पर इसी तरह से ना लेस की डिटेलिंग मिल जाती है। मतलब बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही प्यारा सेट है ये। और एक सेकेंड पॉकेट भी चेक कर लेते हैं, इसके अंदर पॉकेट है या नहीं है। आई थिंक इसके अंदर यस पॉकेट है, ये इससे भी ना आपको ना वन साइड राइट हैंड साइड पे आपको पॉकेट मिलती है, ठीक है। तो इस कुर्ते अगर आप ब्लैक वियर करते हैं फेस्टिवल पे, तो ये इस कुर्ता सेट के साइड पे आप जा सकते हैं, बिकॉज की बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ग्रेसफुल है, और आप कुछ डिफरेंट सा कैरी करना चाहते हैं तो ये काफ्तान सेट आप ज़रूर जाकर बाय कर सकते हैं, बिकॉज की अपकमिंग अमेजोन पे सेल चलने वाली है, तो सेल के अंदर आपको ये बहुत कम प्राइस में मिल जाएगा। एंड अगर आप मेरे लिंक से बाय करते हैं तो आपको उसमें और भी ज़्यादा मिनिमम से मिनिमम ना उसमें आपको ऑफ मिल जाएगा, तो हाईली रिकमेंडेड सेट है ये भी आपके लिए। तो जो लास्ट मेरा प्रोडक्ट होने वाला है वो ये होने वाला है, ये क्लच होने वाला है, बहुत ही खूबसूरत है ये देखिएगा। पहले मैं आपको ना दिखा देती हूँ डिटेल्स इसकी अभी, एंड जो प्राइस है मैं आपको ना स्क्रीन पे शेयर कर दूँगी, ये देखिएगा। और नीचे से भी कुछ इस तरह का है, येलो टोन में है, बहुत खूबसूरत है। एंड यहाँ पे ना कुछ इस तरह का ना इन्होंने ये बड़ा सा ना डायमंड काइंड ऑफ लगाया हुआ है, एंड यहाँ पे ना गोल्डन से इसकी ना बैक ये इस तरह से ना डिटेलिंग की हुई है, बहुत खूबसूरत है। एंड ये कुछ इस तरह का है, ये कोई वेलवेट नहीं है, ये फैब्रिक क्या है आई डोंट नो, किसको क्या फैब्रिक बोलते हैं आप। अगर आप ये इसका जो अपर पार्ट है कहीं से ब्लैक भी हो जाता है, तो आप आराम से ना गीला कपड़ा करके ना इसको क्लीन भी कर सकते हैं। एक बहुत ही रॉयल सा पीस है, आप वेस्टर्न वियर के साथ में भी कैरी कर सकते हैं, और आप इसको जो हमारे इंडियन वियर्स होते हैं उनके साथ भी इनको आराम से कैरी कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि ये ओपन कैसे होता है। तो ओपन करने के लिए आपको थोड़ा सा बस इसको ना यहाँ से प्रेस करना होगा, ये इस तरह से थोड़ा बैक करना होगा, ये आराम से ना ओपन हो जाएगा। तो ओपन करने के बाद में मैं आपको दिखाती हूँ कि ये आप ना इसमें इतना सारा आपका इसमें स्पेस मिल जाता है, यहाँ जो कंपार्टमेंट है एक छोटा सा कंपार्टमेंट आपको यहाँ पर भी मिल जाता है। एंड अंदर की जो क्लॉथिंग है बहुत प्यारी है, बहुत ही ना बहुत प्यारा क्लॉथ है इसके अंदर। ये नहीं है कि कोई चीप सा क्लॉथ इसमें डाला हुआ है इन्होंने, ऐसा जैसा नहीं है, काफ़ी स्पेसियस है। इसमें ही आपको ना चेन भी मिल जाती है, मैं अभी आपको दिखाती हूँ। और इसमें आपका मेकअप का काफ़ी सारा सामान आ जाने वाला है, आपका मोबाइल आप इसमें आराम से कैरी कर सकते हैं, पार्टी ओकेजन में आपको जाना है या फिर किसी भी फंक्शन में अगर आपको जाना है, और अगर आप इसको एज अ ऐसे हैंड में कैरी नहीं करना चाहते हैं, एज अ स्लिंग अगर आप इसको कैरी करना चाहते हैं, तो आप इस चेन को इसके साथ में अटैच कर सकते हैं, और इसके अटैच करने के बाद में आप इसको आराम से कैरी कर सकते हैं अपने। बहुत ही प्यारा सा और स्टाइलिश सा अगर आप क्लच देख रहे हैं और रीजनेबल प्राइस में देख रहे हैं, अंडर 500 है आई थिंक ये ना, जिस प्राइस जो है स्क्रीन पे आपको मैं शो कर दूंगी, तो मेरी साइड से ये हाईली रिकमेंडेड है। मैं अभी ये देखिएगा यहाँ ना अंदर की साइड पे ना ये पिन लगाई हुई है, आप इसके जो चेन है ये इसमें हुक डाले हुए हैं इन्होंने ना, हुक लगाए हुए हैं इस तरह के ना, ये वाले, तो आप आराम से एक आपको इधर डालना है और एक इधर डालना है। मैं तो ये वाला जो क्लच है मेरे साइड से हाईली रिकमेंडेड है, और जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर बाय कर सकते हैं। तो ये था आज का मेरा छोटा सा हॉल वीडियो, आप प्लीज़ बताइएगा कि आप लोगों को ये हॉल वीडियो कैसा लगा है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, एंड अभी इसी तरह के अपकमिंग वीडियोस आने वाले हैं, तो प्लीज़ चैनल पे इसी तरह से मेरे साथ में बने रहिएगा, फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा। एंड चलिए मिलती हूँ मैं किसी और अच्छे से हॉल वीडियो के साथ में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, फैमिली के साथ में रहिएगा। टेक केयर, टिल देन बाय, हैव अ नाइस डे, बाय।